बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर के अंदर जो चंद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जॉब्स की जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसके बारे में हम तफसील के साथ बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। पहली जॉब है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में, यह है असिस्टेंट चीफ डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की, चार पोस्ट है टोटल, ठीक है। और ये देखिए, पहले हम आपको बता दें ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद है मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो मांगे उन्होंने, वो फर्स्ट क्लास में मास्टर डिग्री की हुई हो, 3 साल एक्सपीरियंस हो, ठीक है। उसके बाद मेल के लिए 25 से लेकर 40 साल उम्र की हद बताई गई है, और फीमेल के लिए 25 से लेकर 43 साल उम्र की हद बताई गई है, ठीक है। यानी कि मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है डोमिसल पंजाब का मांगा उन्होंने, पंजाब में किसी भी जगह पे पोस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस दिया हुआ है उन्होंने, 30% क्वेश्चन जो है 30% जो है वो होगी प्रॉस्पेक्ट सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन की, ठीक है। उसके बाद 70% जो है जनरल नॉलेज की होगी, ठीक है। उसके अंदर इस्लामिक स्टडीज़, इथिक, नॉन मुस्लिम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये जो है शामिल होंगे। उसके बाद दूसरी पोस्ट है चीफ ऑफ सेक्शन या डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, इसकी टोटल पोस्ट 2 हैं। इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है, 5 साल तजुर्बा मांगा गया है, उम्र की हद जो है मेल के लिए 27 से 45 साल और फीमेल के लिए 27 से 48 साल है, ठीक है। उसके बाद उन्हें वही सिलेबस बताया गया है और ये पोस्टिंग की जगह बताई गई है। उसके बाद माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के अंदर है, इसकी पहली पोस्ट है लेक्चरार मैथमेटिक्स की, एक पोस्ट टोटल, उसकी दूसरी पोस्ट है फिर इंग्लिश टीचर, वो एक पोस्ट है, ठीक है। ये वुमेन कोटा है दोनों के दोनों, सिर्फ वुमेन ही अप्लाई कर सकेंगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन MMSc मांगी है इसमें, इसकी जो है BA BSc मांगी गई है। और ये देख रहे हैं ये 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ये दोनों पोस्ट, वो ऊपर वाली 3 साल की थी, ये 5 साल की हैं। उसके बाद उन्होंने बता दिया सिर्फ फीमेल के लिए है ये, और यहाँ पर सिलेबस बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट ये है डायरेक्टर जनरल प्रोटोकॉल SNGAD, कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, और ये 2 पोस्ट है टोटल। BA मांगी क्वालिफिकेशन उन्होंने, उसके बाद मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल के लिए उम्र क्या 18 से 30 साल है और फीमेल के लिए 18 से 33 साल है, ठीक है। उसके बाद मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बताया मैंने पंजाब डोमिसाइल के हामिल हों और किसी भी जगह पर पोस्टिंग की जा सकती है, सिलेबस बताया हुआ टेस्ट का। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड वर्क डिपार्टमेंट में है, ये असिस्टेंट इंजीनियर या सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर या सिविल है, इसकी टोटल 36 पोस्ट है, ठीक है। ऑन रेगुलर बेसिस यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं है, रेगुलर बेसिस पर है। उसके बाद क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है इंजीनियरिंग में, डिग्री हो इंजीनियरिंग की, ठीक है। उसके बाद किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, ये नोट दिया हुआ है वो भी आप पढ़ लें आराम से। फिर मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, मेल के लिए 21 से 30 साल उम्र की हद है, फीमेल के लिए भी 21 से 30 साल की उम्र की हद बताई गई है, ये सिलेबस बताया गया है। उसके बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की एक पोस्ट है, ये 4 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। उसके बाद मास्टर एजुकेशन हो, मास्टर हो एजुकेशन में, बिजनेस मैनेजर में, इकोनॉमिक्स में, 5 साल जो है उन्होंने उसका रेलिवेंट का तजर्बा होना चाहिए, 15 साल, 5 साल नहीं 15 साल। अच्छा जी, उम्र की हद 35 से लेकर 55 साल उम्र की हद रहेगी, और फीमेल के लिए 35 से लेकर 55 साल। अच्छा जी, उसके बाद मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब डोमिसाइल के हामिल हों, और ये जो है PEC यानी कि पैक पंजाब एजुकेशन कमीशन के ऑफिस लाहौर के अंदर पोस्टिंग की जाएगी इसकी, ठीक है। अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई आपने करना है PPSC.Gov.PK की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके अलावा जो अप्लाई करेंगे वो जो है काबिल कबूल नहीं मानी जाएगी। इसकी डिपॉजिट स्लिप जो है 600 की है, और इसकी लास्ट डेट जो है 12 नवंबर 2019 है। इससे पहले आपने अप्लाई करना है, उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई भी मसला हो तो हमें कमेंट के जरिए पता को पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।